देखिए, जब लाइफ में डिफिकल्टी आती है, एक बार सबको ऐसा लगता है कि शायद परमेश्वर त्याग दिए। एक बार सबको अपनी गलतियां खोजने लग जाते हैं, हमसे ऐसी क्या गलती हुई कि परमेश्वर ये संकट हम पे आने दिए। और इसके बीच में अगर परमेश्वर चुप है तो उसको लगता है कि ऐसे कौन से पाप है जो मेरे को परमेश्वर से काट रहे हैं। और उस समय आदमी हर ढंग से सोचता है, ये व्यक्ति क्या बोल रहा है कि लॉर्ड प्लीज ग्रेस, मेरे को आपकी ग्रेस चाहिए, प्लीज मेरे पापों के कारण मुझे याद मत करिए, परंतु अपने अनुग्रह के अनुसार मुझे याद करिए। ये प्रार्थना है कि परमेश्वर रोशनी दीजिए, परमेश्वर अपनी रोशनी मेरे पथ पे दीजिए, पहले मुझे जानना पड़ेगा आप क्या चाहते हैं, तभी मैं उसको कर पाऊंगा। ये यही बोल रहे हैं, पहले मेरे को मेरे आत्मा में इस बात का एहसास दिलाइए कि यही पथ है इस जिस पे जाना है, और फिर मुझे अनुग्रह दीजिए ताकि मैं उस पे चल सकूं। अब बोल रहे प्रभु मेरी अगुवाई करिए, मतलब बोल रहे लॉर्ड आप जो रास्ता दिखाएंगे हम उसमें चलने के लिए रेडी हैं, हम रेडी हैं आपको ओबे करने के लिए, आप प्लीज मुझे दिखाइए आगे का रास्ता क्या है, मेरी आंखों को खोलिए, मुझे मेरा पथ दिखाइए, आपके तरीकों से मैं वाकिफ हो जाऊं, नहीं तो मिस्ट्रीज खा जाएगी, नहीं तो जीवन के भेद हमको खा जाएंगे। परमेश्वर के वेज बहुत मिस्टीरियस है, इसलिए वचन कहता है कि जो भाषाओं में प्रार्थना करता है वो भेद में प्रार्थना करता है। मतलब जो व्यक्ति निरंतर आत्मा में दुआ करता है वो भेद में दुआ कर रहा है, क्योंकि नहीं तो जीवन के भेद हम पे हावी हो जाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिए और इस बात को समझिए, तकलीफें कई बार अच्छे अच्छों पे हावी हो जाती है, और जब लोगों को लगता है लाइफ वैसे नहीं निकली जैसे होनी चाहिए थी, कई लोग अपनी अंधेरी घाटी से निकल नहीं पाते। बट उस अंधेरी घाटी में भी कोई है ना जो आश्वस्त है कि परमेश्वर मुझे लीड करेंगे। और ऐसे जो व्यक्ति सोचता है वो एक लाइफस्टाइल डेवलप करता है जहाँ कॉन्स्टेंटली वो गॉड पे वेट करना सीखता है। इस मिनिस्ट्री में मैं हमेशा कहता हूँ कि एक हर सीजन में ऐसा सीजन एक आता है कि जहाँ मेरे पास कोई जवाब नहीं है, हम भी खाली हो जाते हैं, मेरे को भी आगे अपना पथ क्लियर चाहिए, और उस समय हम सब छोड़ के पहले फोकस करते हैं फास्टिंग और प्रेयर में गॉड को सीख करने के लिए। बट अब मैटर्स जब अर्जेंट है तब गॉड के सामने अपील भी अर्जेंट है कि गॉड ऐसे कैसे चलेगा, आप मेरे पथ को मुझे दिखाइए, आप अगुवाई करिए, आप शेफर्ड हैं, आपके तरीके क्या हैं, मतलब आपकी सोच क्या है, इस परिस्थिति में सही क्या है, मतलब अपने उद्धार में कैसे बने रहे, हमारा दिल कैसे आनंदित रहे, परमेश्वर वो मार्ग मेरे को दिखाइए, मेरे कौन सी बातें हैं जो आपके मन को प्रसन्न कर दे, बोलो लॉर्ड आपका फेवर कैसे हम चले कि हमको आपका फेवर मिले, आपके सेल्वेशन का प्रोसेस सिखाइए, लॉर्ड मेरी मदद करिए कि हम अपने ही सोच के सहारे नहीं जिए। ये हर बिलीवर के लिए एक ट्रैप हो जाता है कि कई बार हम लोग अपने ही सोच के सहारे जीने लग जाते हैं, लेकिन वो बॉन्डेज ब्रेक हो जाता है जब गॉड की प्रेजेंस में हम लोग जीना सीखते हैं। आप मुझे डायरेक्शन दिखाइए कैसे हम इस दुनिया के सारे कामों को मैनेज करें, आप क्या चाहते मैं क्या करूं, मैं कैसे रहूं, मैं क्या डिसीजंस लूं, मेरी अगुवाई करिए, मुझे समझदारी दीजिए। और इसी में तीन बातें बोलता है कि जो विनम्र है परमेश्वर उनकी अगुवाई करेंगे, जिनके दिल कोमल है, जो जेंटल है अपने स्पिरिट में, जो परमेश्वर के सामने हम्बल है, विनम्र है। अगर आज आप वचन सुन रहे हैं और आप कठोर हैं तो समझ जाइए कि बहुत मुश्किल है परमेश्वर आपको रास्ता दिखाए। देखिए ना कैसे जब परिस्थितियों में हम टूटते हैं, जब लाइफ में चीजें हम लोग के अनुसार नहीं होती, या तो वो कुछ लोगों को कठोर बना देते हैं, बट कुछ लोगों को वो बहुत सॉफ्ट बना देते हैं अंदर से। और वही व्यक्ति जो गॉड के सामने हम्बल है, परमेश्वर उसकी अगुवाई करते हैं। फिर वचन क्या कहता है कि जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, जो उसकी वाचाओं को मानता है, वो व्यक्ति जो फेथफुल है, जो उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, परमेश्वर उसके पथ पे अपनी दया और करुणा दिखाते हैं। पर उसको दिखाते सही क्या है, परमेश्वर दाऊद के लिए क्या बोलते हैं, ये व्यक्ति मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा, ही विल फुलफिल ऑल माय विल। तो ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति गलती नहीं करता, नहीं, ये दाऊद का ही गीत है, ऐसा नहीं कि व्यक्ति गलती नहीं करता, ऐसा व्यक्ति नहीं कि जो गलत रास्ते में नहीं जाता, बट उसके बावजूद वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है। पर वो कौन सा व्यक्ति है जिसको गॉड अपना सीक्रेट दिखाते, मैं सब बोलेंगे सीक्रेट भेद, वो जो परमेश्वर के भय में फियर ऑफ गॉड, फियर ऑफ गॉड है ऐसी चीज है जो बहुत चीजों से डिलीवरेंस देती है, बहुत गलत रास्तों से बचा लेती है, बहुत सारी गलत सोच से बचा लेती है,
तो इस भजन में क्या लिखा है, जो व्यक्ति विनम्र है, जो उसकी आज्ञा पालन करता है और जो उसका भय में जीता है, परमेश्वर उसके पद की अगुवाई करता है। वचन कहते हैं कि वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा, वह कुशल से टिका रहेगा और उसके वंश पृथ्वी पर अधिकारी होंगे। आमीन।